एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल के ऑफिशियल सुपर 989 में। आप लोग कैसे हैं? आए थे, आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। अभी दिन के बाद 10 बज रहा है और मैं अपने चैनल में वीडियो बना रही हूँ। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि था कल भी है। मेरे तो दादा का फिर डेट किए थे, उन्हीं का कल ट्रेन था, इसीलिए मैं हमने कल उधर ही चले गए थे। मुझे मौका नहीं मिला बाहर जाने से, मुझे मौका नहीं मिलता क्योंकि मेरे बच्चा जो है छोड़ता नहीं है, मुझे बहुत परेशान करता है, किसी के पास जाता नहीं है। तो इसीलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाई थी। तो रात को मैं एक वीडियो रुचि का बदमा से कर रहा था, कल का वीडियो बस वही कर पाई। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ खाना, जैसे मसाला पीसने जा रही हूँ और इधर बन रहा है मछली, जिससे मछली चल रहा है और यहाँ बन रहा है चिकन। नमस्ते, तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, आप लोग ब्लॉग देखिएगा जरूर। फिर मैं मछली चल के बना रही हूँ, अभी जा रही हूँ मिक्सर में मसाला पीसने। बनाऊंगी सरसों डाल के मछली, बिना सरसों का भी बनता है और आप बनाऊंगी सरसों। मछली पापा ढेर लिया रख दीजिए। कितना मछली? अरे बोला 3 पीस ही आने जाने हैं, ढेर लेके चला जाए। बाबू लोग निकाल पेटी पेटी रखा कर रख देता ना, कल कल हो जाएगा। मसाला भी डाल रहे हैं, थोड़ा सा आदि लहसुन, जीरा और सूखा मिर्चा, प्याज, टमाटर, ये सब मेरे साथ भूलूँगी। आप लोग देख सकते हैं इसका धुआं हो रहा है, बकरी भी जा रहा है, हमें मसाला पीस रही है। मछली अभी नहीं फ्राई हुआ है, मछली फ्राई करना। मेरी ऋषि को बहुत मछली पसंद है, मछली भूजने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, मछली बहुत उठता है फट फट करके। बंगाल से है वो लोग को तो पता ही है मछली क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। बंगाल में मछली सबका फेवरेट है बंगाली लोग का, और बिहार के भी लोग खाते हैं, इसे हम लोग को अच्छा बनाना नहीं आता, जिससे बंगाल हम लोग अच्छा बनाते हैं। तो गाइस, आज मेरे भाई आएगा, इसका तबीयत खराब है बोल करके, और मुझे लेके आ रहा है मेरा जितने घंटा होगी। अगर भाई बहन हो या घर से आए हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत दिन हो गया है, तो आज मैं घर जाऊँगी और देखते हैं कब आएंगे। अभी थोड़ा टाइम है भाई का, इसीलिए मैं खाना आज बना रही हूँ। मतलब बनता तो रोज ही है, क्योंकि अच्छा बनाने जा रही हूँ। मछली बना रही हूँ, उसका फेवरेट है मछली, चिकन, वो नॉनवेज बहुत पसंद करता है, इसीलिए बना रही हूँ। ऐसा कर अच्छा लगे, अच्छा लगे, अच्छा लगे।
केला है, लड़का खा नहीं पाता है, बोलता है कि अच्छा अच्छा बना, वो जब मेरे पास आता है तो अच्छा अच्छा खाना बनाती है। तो लगे रही है मेरे ब्लॉग में, तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कि मेरा चिकन यहाँ बन चुका है और ये मछली फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए आलू प्याज भुजा जा रहा है और इसको मसाला में कसेंगे। तो अभी चिकन का चिकन तो बन ही गया, ये रख देगा इसको। अभी मछली को फ्राई हो गया है, अभी इसको रख रहे हैं, अभी इसको झोल में डालना होगा। जब इसका करी बन जाएगा तो इसको कढ़ाई में डालेंगे, इसीलिए उसको हम फ्राई करके रख दिया है। फ्राई करके मैं रख दी, उतना मछली लगेगा नहीं तो मैं कुछ मछली निकाल के रख दे रही हूँ। इतना मछली मैं रख दे रही हूँ, ये मेरा बच्चा लोग खाएगा दोनों, और बाकी इतना सा सबको बड़ा लोग खाएगा। आलू फ्राई हो गया तो उसमें मसाला डालेंगे। यहाँ पे अकेली हूँ, सब कोई छत पे गया है क्योंकि छत के ऊपर ढलाई हो रहा है। मंदिर का रूम और एक रूम बना है, उसका ढलाई हो रहा है, तो सब छत पे है और मैं सिर्फ नीचे हूँ, खाना बना रही हूँ। क्या करूँ, जब ढलाई होता है तो मैं नीचे ही रहती हूँ, मेरा खाना ही बनता है, मैं किचने में रहती हूँ, इसी वजह से मैं खाना का तैयारी कर लूँ। उसके बाद घर घुसाना है और क्या बोलते हैं, कपड़ा भी सरियाना है, कपड़ा रखना है बाहर के लिए अपने लिए। यह है नमक, हल्दी है पर हल्दी डालूंगी नहीं क्योंकि मछली जब भुज जाता है तो उसमें हल्दी और नमक रहता है, इसीलिए नमक कम डालते हैं और हल्दी डालते नहीं है क्योंकि हल्दी हो जाता है। यह है गूड़ा मिर्च, लाल मिर्च का गूड़ा है। थोड़ा में हम लोग के घर में सब कोई तीखा ज़्यादा खाता है तो सूखा मिर्च पीसी हूँ और एक चम्मच गूड़ा मिर्च डालूँगी तो हो जाता है। थोड़ा सा बता देते हैं, अब डालूंगी मसाला। मेरा कैमरा वहाँ तक नहीं जा रहा जहाँ मैं खाना बना रही हूँ, इसी वजह से मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, कोशिश करती हूँ, नहीं आ रहा ठीक ही नहीं आ रहा, मेरा कोई ठीक नहीं कर देता, मैं ठीक से ठीक करती हूँ, इसी वजह से बार बार मोबाइल उठाना पड़ता है मुझे ठीक करने के लिए। डालूंगी टमाटर, एक टमाटर मैं पेस्ट कर दी और एक टमाटर काट के डालूंगी। टमाटर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट होता है, खट्टा खट्टा लगता है सब्जी मछली, बिना टमाटर और धनिया के सब्जी मछली अच्छा नहीं लगता है। और यह है मटर, थोड़ा सा मटर छूट के रखती थी उसको भी डाल दूँगी। बस इतना चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए।
तो मसाला फ्राई हो जाए, तब तक आलू भी थोड़ा गल जाएगा। ये जार में मसाला लगा हुआ तो उसको पानी से धो के डाल देती हूँ। मसाला भुजाते रहेगा, आलू भी गलते रहेगा, तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, मैं लौटती हूँ। तो गाइस खाना बन चुका है और खाना खिला के ऋषि को लेके आए हैं छत पे। यहाँ पे हल्का हल्का धूप है, धूप आज निकला नहीं है। मौसम सुबह सुबह भी बारिश हुआ है, रात को भी बहुत बारिश हुआ, सुबह में भी बारिश हुआ था। और देखिए हम लोग का यहाँ की छत ढलाई हो रहा है। ऊपर में मंदिर रूम हुआ था और एक रूम बना है, उसी का ढलाई आज चल रहा है। ये सब मिट्टी खड़ा है और ये देखिए मिश्रण लगाया जा रहा है। आज मशीन नहीं आया, और जब जिस दिन छत ढलाई हुआ था उस दिन मशीन आया था, आज नहीं आया है, इसीलिए छोटा वाला छत से ढलाई हो रहा है इसके ऊपर में। ऋषि के देखिए बदमाशी क्या कर रहा है। ऋषि ऐसे कर रहा है, अभी 12 बज गया, मेरा काम करते करते थोड़ा टाइम लग गया। ये देखिए मेरे कितना अच्छा फूल हुआ है, वाह कितना सुंदर फूल हुआ है पीला रंग का। तो मेरा वीडियो अभी यहीं ख़त्म हो रहा है। आप लोग मेरा वीडियो को ज़रूर देखिए और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, और भी ज़्यादा सपोर्ट करिए, और ज़्यादा ज़्यादा प्यार चाहिए आप लोग का। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइस मैं जा रही हूँ अभी मायके, देखिए मैं घर से लिख लूँगी, तैयार होकर बैठी हुई हूँ, तैयार होकर बैठी हूँ। ऋषि सोया है, झाड़ू उसको उठा के उसके बाद मैं लिख लूँगी। बैग वैग पैकिंग हो चुकी है, तो अब मिलते हैं हमें अपने मायके में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, यहीं पे मैं करती हूँ। मेरा वीडियो फुल वीडियो देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा हमको और मेरे बेटा को ऋषि को। ढेर सारा सपोर्ट चाहिए आप लोग के, आप लोग के आशीर्वाद से मैं इतना दूर बढ़ी हूँ, और प्यार चाहिए कि और मैं आगे बढ़ूँ। तो इसलिए मेरा फुल वीडियो देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए।